हाय फूडीज, कैसे आप सभी? उम्मीद करती सभी ठीक ठाक होंगे। और आ रहा ना मुंह में पानी ये मज़ेदार से मूली के पराठे देख के, क्योंकि सीजनल है और सीजनल सब्ज़ी है जी, आ चुकी है बाज़ार में, अवेलेबल है। तो सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट में इनका इंजॉय किया जाए, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है जी। बहुत ही हाजमेदार मूली, क्या बात है, क्या कहने। तो चलते रेसिपी की तरफ, रेसिपी बनाते हैं। मूली के पराठों के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए आधा किलो फ्रेश मूलियाँ, ऐसे भी ज़्यादा ले सकते हैं आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कर लेना है कद्दूकश। और कद्दूकश करने के बाद आपको अच्छे तरीके से इनका जितना भी वाटर है इसको कर देना है रिलीज़, ताकि क्योंकि देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, जब हम पराठों में इसकी फीलिंग को करते हैं तो अगर इसमें पानी होगा ज़रा सा भी तो वो पराठे आटा जो है वो गीला हो जाएगा और आप फीलिंग जो है अच्छे से बन नहीं पाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ड्राई कोरिएंडर, वो ऐड कर दिया है। और मेरे पास कुटी मिर्चें हैं लाल, वो ऐड कर दूंगी, जो कि बहुत ही शानदार मज़े का फ्लेवर देती हैं इसके अंदर पराठों में। इसके साथ साथ ही लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस थोड़ा मैंने स्पाइस ज़्यादा बनाया था इसका। नमक ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत, ऐड कर दिया है यहाँ पर मैंने। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया, जो कि इसकी जान है। इसके बाद जो इसका जो फ्लेवर आता है ना निकल के सूखे धनिया और फ्रेश धनिए के साथ, मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड नहीं की हैं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। फिर तो इसके बरक्स के अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं, आप लोग बड़े खा रहे तो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घर का ही आटा ले लिया, नॉर्मली जो हम घर पे यूज़ करते हैं व्हीट फ्लोर, वो यूज़ कर रही हूँ। और छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और इनकी फीलिंग करेंगे और बनाएंगे कमाल किस्म के ब्रेकफास्ट में मूली का पराठा, जो कि बेहद आसान है। रात में आप ये काम करके इसकी फीलिंग बनाकर रख लें और सुबह सुबह नॉर्मली आप जैसे पराठे बनाते इसकी फीलिंग करते जाएं और बनाते जाएं, है ना कितनी कमाल की और मज़ेदार सी रेसिपी। ये खाना चाहिए, नॉर्मली यह है लोग इस चीज़ को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं समझते। मूली के पराठे बहुत हेल्दी हैं आपकी सेहत के लिए, आप ज़रूर इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। तो यहाँ पे हम बेल लेंगे बराबर किस्म की रोटियों को और ज़्यादा फिलिंग भर लेंगे। फिलिंग भरने के बाद एक और चपाती जो हमने बेल के रखी हुई, रोटी बेल के रखी हुई है, उसको लगा देंगे। हाँ, और एक और काम आपको क्या करना है कि इसमें एयर जो है वो बन जाती है, तो हम सही से बेलेंगे तो वो फिर फटना शुरू हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि वो जो है ना नाइफ़ की मदद से इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, होल बना लेंगे, ताकि जब ऑयल भी डालें ना तो वो अच्छे तरीके से ऊपर नीचे तक भी जो है ना वो ऑयल जा सके पराठे में। अब इसको मैं टर्न आउट कर लेती हूँ 5 मिनट के बाद और देख ही रहे हैं आप। तो ज़बरदस्त सा ये मूली का पराठा चाय के साथ इंजॉय करें, चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, योगर्ट के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है माशाल्लाह। अब हम इसको टर्न आउट करेंगे तो माशाल्लाह लुक देखें आप इसका, ये वाह क्या बात है, आला कमाल किस्म का मूली का पराठा, तो शानदार जी शानदार बन के रेडी हो गया बस इतनी सी देर में। हाँ बिल्कुल, इसे बनाना बेहद आसान है, आराम से ट्राई कीजिए, दुआएं दीजिए HKCN ब्लॉग्स को। तो चलती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।